हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास भी बीपीएल राशन कार्ड बनने का मैसेज आया है कि आप राशन कार्ड के लिए पात्र पाए गए हैं, लेकिन जब आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वह जो राशन कार्ड है वो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो मैसेज आपके पास बीपीएल राशन कार्ड की पात्रता का आया है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको पहले दोस्तों मैसेज दिखा देते हैं कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई मैसेज आया है जिसमें बताया गया है कि प्रिय लाभार्थी परिवार पहचान पत्र संख्या, यहां पर आपकी फैमिली आईडी के आधार पर आप गरीब परिवार पीला श्रेणी के पात्र पाए गए हैं, आपका राशन कार्ड उचित मूल्य की दुकान एफपीएस संख्या यहां पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी से जोड़ दिया गया है, जिससे आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना जो राशन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जो आपको लिंक दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों, ये अगर आपके पास इस प्रकार का कोई मैसेज आया है तो इसका मतलब है दोस्तों, जो आपका राशन कार्ड पहले कट गया था वो हरियाणा सरकार द्वारा फिर से चालू किया गया है। अब दोस्तों, इस पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों लिंक पर आप कैप्चा कोड डालते हैं और जैसे ही वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगर इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि जो आपका राशन कार्ड है वो एक्टिव है और किस डेट को बना है वो भी यहां पर आप देख पाएंगे, कौन सा राशन कार्ड है, रूरल अर्बन भी देख पाएंगे। और दोस्तों, यहां पर आपका राशन कार्ड नंबर होगा, एफपीएस आईडी यहां पर आपकी होगी और फैमिली आईडी की आखिरी के चार अक्षर भी आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों, यहां पर आपको डाउनलोड राशन कार्ड के लिए ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपके सभी सदस्यों की डिटेल मिलेंगी, नाम मिलेगा, पिता माता का नाम, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का स्टेटस दिख रहा है तो यहां से आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके, डाउनलोड राशन कार्ड वाले पर। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस दिख रहा है और यहां पर आपको रेड कलर में अगर स्टेटस दिख रहा है और स्टेटस जो करंट स्टेटस है उसमें आपको इनएक्टिव लिखा हुआ है कि यानी जो आपका राशन कार्ड का फिलहाल जो स्टेटस है वो इनएक्टिव है और यहां पर आपको एड्रेस दिया जाता है आपका, इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल अगर नहीं दिख रही और न ही यहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब है दोस्तों जैसे ही आपका राशन कार्ड बना वो फिर से इनएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी इनएक्टिव कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैसेज आपके पास अब राशन कार्ड के आए हैं 6-7-8 तारीख के आसपास, ये जो मैसेज हैं ये उन राशन कार्डों के हैं जो फरवरी महीने की 13 तारीख को बने थे। और दोस्तों, उस समय कौन से राशन कार्ड बने थे? दोस्तों, वह राशन कार्ड बने थे जो पहले कट गए थे, जब हरियाणा सरकार ने दिसंबर महीने में एक नई सूची जारी की थी राशन कार्डों की, और उस समय जब हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी के माध्यम से ऑटो मोड पर राशन कार्ड बनाने शुरू किए, उस समय बहुत से ऐसे राशन कार्ड भी थे जो कट गए थे। और दोस्तों, वह जो राशन कार्ड है वो हर महीने अब हरियाणा सरकार धीरे धीरे करके जारी कर रही है। जनवरी महीने की 16 तारीख को भी एक लिस्ट जारी की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा कटे हुए राशन कार्डों की, और इसके बाद दोस्तों फिर से फरवरी महीने में एक लिस्ट आई 13 तारीख को, वो भी कटे हुए राशन कार्डों की ही थी। और दोस्तों, अब भी एक और नई लिस्ट भी आने वाली है इस महीने में भी, और दोस्तों हर महीने ऐसी लिस्टें आती रहेंगी। और दोस्तों, ये जो मैसेज आपके पास आया था ये उन राशन कार्डों का मैसेज है जो फरवरी महीने में जनरेट हुए थे, यानी जो राशन कार्ड फरवरी महीने में कटकर बने थे, कटे हुए राशन कार्ड फरवरी महीने की 13 तारीख को बने थे, उनका मैसेज है। और दोस्तों, वो जो मैसेज है अब हरियाणा सरकार ने भेजा है,
लेकिन दोस्तों इस मैसेज से फायदा जरूर होगा। फायदा क्या होगा कि जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि उनका राशन कार्ड कटकर वापस आ चुका है, उनको फायदा इस मैसेज से होगा। लेकिन दोस्तों अब जब बहुत से लाभार्थी उस लिंक पर क्लिक करके अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, या जो नॉर्मल तरीका है नया ओरिजिनल राशन कार्ड डाउनलोड करने का उस तरीके से करते हैं, तो उनका जो राशन कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, या उनको जो स्टेटस है वो इस प्रकार इनएक्टिव दिखता है और यहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो आपका राशन कार्ड है वो इनएक्टिव हो चुका है, फिर से बंद कर दिया गया है, या दोस्तों आपका पहले बन गया था, अगर अब भी आपको स्टेटस दिख रहा है तो जो आपका राशन कार्ड है वो आप इसलिए डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका जो राशन कार्ड है वो कट चुका है, बंद हो चुका है। आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि जो मैसेज आपके पास आया है राशन कार्ड बनने का, उसके बावजूद भी आप इसलिए राशन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे कि ये जो मैसेज आया है ये उन राशन कार्डों का है जो फरवरी महीने में बने थे, और तो बनने के बाद फिर से हरियाणा सरकार ने जो आपका राशन कार्ड है उसे काट दिया है, क्योंकि हो सकता है गलती से आपका राशन कार्ड जारी कर दिया गया हो और फिर से उसे वहां से डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि सर हमारे पास मैसेज तो आया है लेकिन राशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, इनएक्टिव स्टेटस दिख रहा है। तो दोस्तों आपका राशन कार्ड तो फिर से बना है लेकिन वो हरियाणा सरकार ने दोबारा काट दिया है, डिपार्टमेंट ने उसे इनएक्टिव कर दिया है, वो राशन कार्ड ये समझ लीजिए कि आपका बनने के बाद फिर से कट गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।